दादी, क्या आपने अपनी जन्म कुंडली के बारे में पूछने के लिए मुझे अपना फॉर्म भर के भेजा? अगर नहीं तो भेज दीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप अपना बर्थ डिटेल फिलअप करिए, AM PM ध्यान से लिख करके भेजिएगा और प्लेस ऑफ बर्थ में डिस्ट्रिक्ट जरूर लिख दीजिए ताकि गलती ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग AM PM मेंशन नहीं करते और अपने प्लेस ऑफ बर्थ का डिस्ट्रिक्ट मार्क नहीं करते, जिसकी वजह से डिटेल्स को प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। अब आज का टॉपिक है हमारा, आप अच्छा खासा पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी घर में धन क्यों नहीं रुकता और क्यों फिजूल खर्ची बढ़ जाती है। अचानक आपने खूब मेहनत करके पैसा कमाया, कुछ ऐसा हो गया कि एक साथ आपका सारा पैसा डंप हो गया। एक मेरे बहुत रेपुटेटेड क्लाइंट्स आए हुए थे, ऐसे तो बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास, लेकिन मैं आज आपको एक ही चीज़ बताऊंगा। उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा खासा उन्होंने पैसा भी कमाया और कमाने के बाद उन्होंने किसी एक इन्वेस्टमेंट में पैसा अचानक सारा लगा दिया ताकि उन्हें मोटा मुनाफा हो जाए, लेकिन उस मोटे मुनाफे के चक्कर में वो सारा पैसा ब्लॉक हो गया, ख़त्म हो गया और जो उन्होंने कर्ज लेके भी लगाया था वो भी सारा ख़त्म हो गया। जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने अपनी आपबीती बताई, जन्म कुंडली को देख करके पता चला कि हाँ, इनसे क्या गलती हुई है जिसकी वजह से इनका सारा पैसा एक साथ ख़त्म हो गया और इनकी सालों की कमाई मेहनत भी ख़त्म हो गई। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो जाता? अगर हो जाता है तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना जीवन में कभी घटित ना हो। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जन्म कुंडली का दूसरा भाव परिवार का होता है, पैसे का होता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का होता है और परिवार के साथ विचार विमर्श करके आप किस तरह की भावनाएं, किस तरह का रिजल्ट गेन करेंगे वो आपका 11वां भाव हो जाता है। अपने से बड़ों से आपको या अपने काम से आपको, अपनी इन्वेस्टमेंट से आपको कितना फायदा मिलेगा, कितना लॉस आपको हो सकता है, वो 11वें भाव से निर्धारित किया जाता है। इसीलिए हमारे वेद पुराण शास्त्रों में हर जगह यही लिखा हुआ है कि अपने बड़ों का सम्मान करें, उनके साथ उठ बैठ करके उनकी ज़िंदगी के अनुभव अपने साथ जरूर लीजिए ताकि इस तरह की गलती या तकलीफ से आपका बचाव हो सके। ये जन्म कुंडली का दूसरा भाव, जिसके मालिक होते हैं शुक्रदेव, कारक होते हैं बृहस्पति देव। बात की ना देखिए मैंने बृहस्पति देव की, बृहस्पति बुजुर्ग होते हैं, बृहस्पति ज्ञान होते हैं, बृहस्पति सोना होता है और घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो हमारे लिए किसी गोल्ड से कम नहीं होते, जिनकी नॉलेज हम ले करके दुनिया के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स गेन कर सकते हैं और अच्छी इन्वेस्टमेंट भी पा सकते हैं। इसीलिए जन्म कुंडली का दूसरा भाव मालिक शुक्र, कारक गुरु। अगर परिवार के अंदर बुजुर्ग ना हो तो फिर वो परिवार निढाल हो जाता है, गुमराह होने की कंडीशन पर पहुंचता है। इसीलिए दूसरे भाव के मालिक को और कारक को बेहद अच्छा रखिए। उपाय मैं आपको भी बताऊंगा, ध्यान से समझेगा। अब बात करेंगे चौथे भाव की। चौथा भाव मन की सुख शांति, परिवार की सुख शांति, माँ की सेहत, माँ की उम्र, माँ का सुख और आपको कैसा अपने रुपए पैसे और प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इसका भी कहा जाता है। तो अब आपको दूसरा भाव और चौथा भाव और 11वां भाव अच्छा रखना चाहिए, तभी आपके पास धन बचेगा। क्योंकि चौथा भाव जिसके मालिक हैं चंद्रमा, चंद्रमा होता है पानी और उसको इकट्ठा करने के लिए आपके पास एक स्टोरेज बॉक्स होना चाहिए, चाहे वो ज़मीन का हो, चाहे वो नदी का हो, चाहे वो बर्तन का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। इसीलिए जन्म कुंडली के अंदर यहाँ पर चंद्रदेव यानी कि माँ का, स्त्रियों का आप जितना सम्मान करेंगे और वहाँ पे शुक्र है तो जीवन साथी है, घर के बुजुर्ग हैं, और इस चौथे भाव के अंदर बृहस्पति देव यानी गुरु उच्च के कहलाते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में
अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु राहु का योग है, अचानक पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा, जैसा उन मैंने बिजनेसमैन का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शुक्र का योग है तो व्यापार के घाटे में आपका पैसा जाएगा, यानी कि व्यापार में निरंतर आप पैसा लगाते रहेंगे, रिजल्ट नहीं निकल कर आएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र राहु का योग है तो भी आपका व्यापार आपको नुकसान दे सकता है और आपको अपने काम काज यानी नौकरी में भी परेशानी आ सकती है। और यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र शनि, चंद्र राहु, चंद्र केतु या फिर चंद्रदेव खराब भावों के अंदर बैठ करके इनके ऊपर किसी खराब ग्रह की दृष्टि पड़ गई हो तो ऐसी स्थिति में भी आपके लिए धन का बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो हो गई बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की ज्योतिष की बातें, शायद छोटी भी हों, लेकिन अब बात कर लेते हैं उपायों की। उपाय क्या करें ताकि आप इस तरह की तकलीफों से बच सकें और आपके साथ किसी भी इस तरह का घाटा ना हो। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जो भी आपके घर में बुजुर्ग हैं या इस काम के एक्सपीरियंस हैं, विशेष तौर पर अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र देव किसी दुश्मन ग्रह के साथ मिलकर के बैठे हैं, जैसे राहु के साथ बैठ गए, शुक्र के साथ गुरु के साथ बैठ गए या फिर सूर्य के साथ बैठे हैं, या शुक्रदेव आठवें भाव में, नौवें भाव के अंदर या फिर छठे भाव में बैठे हैं, तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। अपने किसी एक्सपीरियंस बंदे से सलाह लेके पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु राहु चंडाल योग है और आपकी कुंडली के अंदर इसकी वजह से केतु खराब हो गया है तो ध्यान रखिए, आपको अपना पैसा बहुत सोच समझ करके किसी के ऊपर या किसी व्यापार में या किसी को देना चाहिए। ये बहुत सोच समझ के निर्णय लिया करिए। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, भावुकता में, आवेश में आ करके लेंगे तो आपके हाथ, ये श्योर है, नुकसान ही हाथ लगेगा। उपाय क्या करें इसका? सबसे पहले जो भी घर के अंदर पैसा कमाने वाला इंसान होता है उसको अपना बृहस्पति, शुक्र, शनि और चंद्रमा अच्छा रखना होता है। उपाय क्या करें इसका? केसर का तिलक रोजाना नाभि पर इस वाली उंगली से लगाइएगा, ध्यान रखिएगा मैं मार्क कर रहा हूँ, इस वाली उंगली से आप रोजाना केसर का तिलक नाभि पे, जीभ पर और अपने माथे पर लगाइए। अपना तिलक अगर अलग बना लीजिएगा, परिवार के और लोग इस तिलक का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ आप करें। किसी चांदी की कटोरी में केसर की एक दो डंडी लीजिए, उसको भिगो करके 5-7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद आप उस तिलक को रोजाना अपनी नाभि जुबान माथे पे लगाओ, जब कभी वो सूख जाए फिर से गंगा जल डाल दीजिए, फिर से उसे लगाइए। नंबर दो उपाय, घर की पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में बृहस्पति देव की पोटली लगाइए। वो पोटली क्या होती है मैं आपको सामग्री लिख देता हूँ, बता देता हूँ, और आप इसको अपने घर के पास में जो भी मंदिर हो वहाँ जाइए, वहाँ पर जो भी बुजुर्ग पंडित जी हों, अनुभवी पंडित जी हों, उससे इसकी प्राण प्रतिष्ठा करा लीजिए। अगर आप हमारे कार्यालय से कराना चाहते हैं तो आप वो भी किया कराया हुआ ले जा सकते हैं। अब सामग्री क्या होगी? 200 ग्राम चने की दाल, एक सूरजमुखी का फूल, ये कई बार नहीं मिल पाता है तो बगैर फूल के कर दीजिएगा, अल्टरनेट और कोई चीज मत डालिएगा। 2 ग्राम केसर, 2 ग्राम भी नहीं हो पाता तो 2 चुटकी डाल दीजिएगा, काफी है। 5 मुलहठी की गांठें और 5 साबुत हल्दी की गांठें और 5 पीपल के पत्ते पीले सूती कपड़े में बांध करके बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करते हुए या मंदिर में बैठे हुए पंडित जी से आप इसकी कम से कम 108 माला से इसका जाप करवा करके इसको आप अपने घर के घर में बृहस्पति के शुभ नक्षत्र में लाके घर में दीवार पर टांग दीजिए। नंबर 2 उपाय। नंबर 3 उपाय, घर के अंदर सुबह सुबह जैसे ही आप सो करके उठें कोई आरती या भजन जरूर लगा दीजिएगा ताकि घर से नकारात्मक ऊर्जा और आलस खत्म हो जाए, ताकि शुक्रदेव भी अच्छे हो ना, जोश के मालिक हैं शुक्रदेव। नंबर 4 उपाय, घर के अंदर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जब भी आप कोई शॉपिंग करने जाएं
चांदी का बर्तन, ग्लास, कटोरी, थाली, जो भी आपकी इच्छा हो वो जरूर खरीदें, लेकिन ध्यान रखें, एक तो सुराही के आकार का और दूसरा जो एक बर्तन ऐसा होता है जिसमें पाइप लगा हुआ हो, करवे के आकार का, ऐसा बर्तन चांदी का बिल्कुल ना खरीदें। तो आप चांदी के बर्तन और चावल घर में ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करके रखें, इससे आपको यकीन मानिए बहुत फायदा होगा। घर में अगर अकाल मृत्यु जैसी स्थिति भी बनती हो तो उसमें भी आपका बहुत फायदा होगा। खैर, यह डिस्कशन करेंगे तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी, हम और आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गए चार उपाय, पांचवा बहुत जरूरी उपाय ये भी है, अपने आप में मास्टर स्ट्रोक है ये इस उपाय का, और अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो ये श्योर है कि आपको आर्थिक सुख में बढ़ोतरी धीरे धीरे जरूर मिलेगी, लेकिन एक शर्त जरूर है। अगर आप बेफिजूल की शॉपिंग करते हैं, बेफिजूल का घर के अंदर बिजली का सामान बंद किया हुआ इकट्ठा करते हैं, घर के अंदर कबाड़ और गंदगी को आप इकट्ठा किए रखते हैं, अपने शरीर की और घर की सफाई पर ध्यान नहीं देते, तो आपको ये उपाय ज़्यादा दिन तक फायदा नहीं देंगे, आपकी स्थिति एक जगह पर अटक करके रह जाएगी, बल्कि आपको दोष भी लग सकता है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, फिजूल खर्ची और जो बातें आपको बताएं उनको आप अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंकिए, तभी ये उपाय आपकी मदद करेंगे। अगला बहुत जो ज़रूरी उपाय है वो ये है, गले में पीला धागा या सोने की चेन जरूर पहन करके रखिए, और हर रोज़ धर्म स्थान, मंदिर, गुरुद्वारा, जहाँ भी आपकी जाने की इच्छा हो अपने धर्म के अनुसार, वहाँ जा करके आप अपने इष्ट को प्रणाम करके आइए, और जो कुछ आपकी इच्छा हो वो अपनी इच्छा अनुसार उनको दे करके, पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेकर जरूर आइए। जब आप इन उपायों को कर लेंगे तो आपको अनुभव होगा कि आप पहले से बहुत सजग, समझदार और उपायों को करने में आपको फायदा दिखने भी लग गया है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपका इंतज़ार रहेगा, और आपकी बर्थ डिटेल का भी। अभी यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी आपको दो तीन बातें और समझनी होगी, ताकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती रहे और दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करें। देखिए, शुक्र के बारे में मैंने आपको बताया, बृहस्पति के बारे में आपको बताया, चंद्रमा के भी बारे में मैंने आपको बताया, अब यहाँ पर बात है सारी राहु की और केतु की। अगर इनको आपने अच्छा नहीं किया तो आपके लिए तकलीफ थोड़े टाइम के लिए सही होगी, फिर वापस वहीं पहुँचेगी। माताओं के साथ, बहनों के साथ, स्त्रियों के साथ आपकी वाणी और विचार दोनों बहुत शुद्ध रहने चाहिए, इससे आपका राहु अच्छा होगा। अगर आप अच्छी बातें ही बोलते हैं, अच्छी भावनाओं के साथ, ध्यान रखिएगा सिर्फ मुंह से नहीं, भावनाओं के साथ, तो आपका केतु भी अच्छा होगा, जिससे आपका शुक्र ऑटोमेटिक स्ट्रांग होता जाएगा और आप अपार सफलता प्राप्त करेंगे। तो आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत गहराई से, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया, आपको समझ आ ही गया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो प्रैक्टिस डाल लीजिए समझने की, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा टिपिकल लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि ग्रहों के नियम के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस बना करके देता हूँ, ताकि आप ज्ञानवान भी रहें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।